पश्चिम सिंहभूम जिला समाहरणालय स्थित सभागार में जिला दंडाधिकारी कट जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त श्री अनन्य मित्तल की अध्यक्षता में हुई बैठक। और अब खबर विस्तार से। पश्चिम सिंहभूम जिला समाहरणालय स्थित सभागार में जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त श्री अनन्य मित्तल के अध्यक्षता में आकांक्षी जिला कार्यक्रम पोषण टास्क फोर्स एवं बच्चों के बीच नशीली दवाओं और पदार्थों के उपयोग पर रोकथाम हेतु जॉइंट एक्शन प्लान तहत संचालित कार्यों की समीक्षा हेतु बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उपायुक्त के द्वारा आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत नीति आयोग के सभी सूचकांकों प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पक्का आवास जीवन ज्योति बीमा योजना सुरक्षा बीमा योजना पेंशन योजना जनधन योजना सहित कार्यक्रम की प्रगति प्रतिवेदन का मासिक समीक्षा किया गया। बैठक उपरांत उपायुक्त के द्वारा बताया गया कि नीति आयोग के सूचकांकों की समीक्षा के दौरान जिले के रैंकिंग को देश भर में अव्वल रखने के तदर्थ कार्यक्रमों को चिन्हित कर कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया। उन्होंने बताया कि जिला अंतर्गत कृषि के क्षेत्र में समावेशी विकास के लिए आकांक्षी जिला तहत नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग में पश्चिमी सिंहभूम जिले ने फरवरी में चौथा तथा मार्च में पांचवा स्थान प्राप्त किया। उन्होंने बताया कि जिले में आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण तथा विद्यालयों में पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है, जिससे रैंकिंग में और भी सुधार देखने को मिलेगा। उपायुक्त ने बताया कि पोषण टास्क फोर्स की बैठक के दौरान जिला अंतर्गत पोषण सुधार के क्षेत्र में बेहतर करने हेतु संलग्न सभी विभागों के पदाधिकारियों को सामंजस्य स्थापित कर कार्यक्रम में निहित सभी बिंदुओं पर सजगता से कार्य करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा बच्चों के बीच नशीली दवाओं और पदार्थों के उपयोग पर रोकथाम हेतु जॉइंट एक्शन प्लान के तहत पुलिस विभाग जिला बाल संरक्षण इकाई एवं उत्पाद विभाग को संयुक्त कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया है। उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग को दिए गए निर्देश के तहत जिला अंतर्गत किसी भी विद्यालय के आसपास तंबाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित है। के आलोक में विद्यालय के प्रधानाचार्य को निकटवर्ती थाने को सूचित कर 100 मीटर के दायरे में उपस्थित संस्थानों पर कार्रवाई करवाने हेतु संसूचित किया जाए। उक्त बैठक में जिला योजना पदाधिकारी श्री राजीव रंजन सिन्हा, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी श्रीमती अनीता कुजूर, जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी श्रीमती पुनीता तिवारी, पुलिस पदाधिकारी LDM पश्चिमी सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष सहित अन्य उपस्थित रहे। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम साथ ही साथ पोषण टास्क फोर्स और नशा मुक्ति की रिव्यू बैठक करी गई। इसमें सभी विभाग के पदाधिकारी मौजूद थे। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में हम लोगों ने रिव्यू किया कि किन इंडिकेटर्स में हम लोग बेहतर प्रदर्शन करके पूरे भारत में अच्छी रैंक इसमें प्राप्त कर सकते हैं। इसमें हमारी फरवरी माह में ऑल ओवर इंडिया 4th रैंक और मार्च माह में ऑल ओवर इंडिया 5th रैंक आई। और साथ ही साथ एग्रीकल्चर के क्षेत्रों में हम लोग इसमें बेहतर काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से रैंक में हमारी बेहतरी आ रही है। इसमें आंगनवाड़ी केंद्र और साथ ही साथ स्कूलों में टॉयलेट और पानी की व्यवस्था को हम लोग और भी सुदृढ़ कर रहे हैं, जिससे हमारा बेहतर प्रदर्शन होने की आशा रखते हैं हम लोग। साथ ही साथ पोषण टास्क फोर्स की बैठक करी गई, जिसमें सभी डिपार्टमेंट्स का इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन से पोषण की बेहतर स्थिति हमें अपने जिले में क्रिएट करनी है। इसमें सभी को यह निर्देश दिया गया कि उसके सभी इंडिकेटर्स को फॉलो करते हुए कंप्लीट अर्हता पूर्ण करते हुए उसमें कार्य करेंगे। साथ ही साथ नशा मुक्ति के बारे में भी बैठक करी गई, जिसमें पुलिस विभाग चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर और साथ ही साथ उत्पाद विभाग को भी हम लोगों ने निर्देश दिए किसी भी स्कूल के आसपास किसी भी तरीके के नशीले पदार्थ बेचने वाली गुमटियाँ इत्यादि नहीं होनी चाहिए। सभी ये शिक्षा विभाग को आदेश दिया गया कि सभी प्रधान अध्यापकों को वो लिखेंगे, प्रधान अध्यापक अपने क्षेत्र के थाना को अगर ऐसी कोई भी दुकान उनके स्कूल के 100 मीटर में है तो इस बारे में इत्तला करेंगे।